आज हम चेक करने वाले हैं 1N4007 डायोड को। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है इसमें होती है कि जो इस पे इसकी रेटिंग क्या है। अगर हमें कोई कंपोनेंट चेक करना है तो सबसे ज़रूरी है कि हमको उसका डाटा शीट पता होना चाहिए, वो कितने एम्पियर का है, कितने वोल्ट का है, उसकी रेटिंग क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है और इसके वोल्टेजेस क्या हैं। तो 4001 से लेकर के 4007 तक एक सीरीज होती है जो हमारा रेक्टिफायर, प्लास्टिक सिलिकॉन रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं। इसका जो वोल्टेज रेंज रहता है 50 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट के बीच में अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देता है हमें। और इसकी जो करंट रेटिंग रहती है 4001 से लेकर के 4007 तक की जो करंट रेटिंग है वो 1 एम्पियर ही होती है। ये अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है, उसी के हिसाब से इनकी रीडिंग यानी कि जो रेंज है उसको सेट किया गया रहता है। फीचर जो इसमें दिए गए हैं, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और हाई करंट कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी तो 1 एम्पियर ही है, हाई रिलेबिलिटी, और ये सबसे चीज़ होता है कि ये सस्ते होते हैं, ये इनकी कॉस्ट बहुत कम रहती है। और अब देख लेते हैं इनके पैरामीटर्स को। तो पैरामीटर्स हमारे कुछ ये रहे, सबसे पहला हमारा है 4001। 4001 जो है वो 50 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट के बीच में वर्क करता है। और जो डायोड हम चेक करने वाले हैं वो है 4007। 4007 जो है वो 1000 से लेकर के 700 वोल्ट के बीच में अच्छा वर्किंग करता है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी रीडिंग आनी चाहिए और मल्टीमीटर से किस तरह से इसको चेक करते हैं, किस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो वीक है या ओवरहीटेड हो चुका है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये रहा डायोड, तो इसमें कुछ इस तरह की रीडिंग रहती है 4007। तो जो हमारा मल्टीमीटर है उसको सेट करें कंटिन्यूटी मोड पे और इस तरह से इसको चेक करेंगे। एक साइड रीडिंग आएगी और एक साइड रीडिंग नहीं आएगी। रीडिंग आनी चाहिए 560 से लेकर के 550 के बीच में, तो रीडिंग आ रही है 568। तो हम कहेंगे कि जो हमारा डायोड है वो रनिंग कंडीशन में अभी अच्छा है। अगर इस पे बीप साउंड आता है तो ये हमारा ख़राब माना जाएगा, और अगर इसकी जो रीडिंग है वो रेजिस्टेंस रेटिंग जो है वो बढ़ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो डायोड है वो ख़राब हो चुका है। अगर कम हो जाती है तब भी यही कंडीशन रहती है कि हम कहते हैं वो हमारा वीक हो चुका है। और हमारा ख़राब कब होता है, रीडिंग कब बढ़ती है, उसकी रीडिंग तब भी बढ़ती है जब हमारा ओवर हीटेड हो चुका होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।